नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आपको एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, हमारे पास जो आधा HP की टिल्लू पंप मोटर आती है, उसमें हम कई बार एक गड़बड़ कर देते हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें जो वायर जो डलती है 500 ग्राम से ज़्यादा डलती है आधा HP में ही, और ये बहुत सारी ऐसी मोटर होती है जिसमें स्लॉट बहुत ज़्यादा बारीक होती है। अब ये जो मेरे पास मोटर, इसमें देख सकते हैं कि बिल्कुल कम गहरे स्लॉट है, इतने ज़्यादा इसमें गहरे नहीं है, ठीक है। तो लिमिटेड है एक तरह से। एक मोटर आती है आधा HP में ही देखने को मिल जाएगी, उसमें जो स्लॉट होती है काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है, और उसमें हम जितना ज़्यादा चाहे उसको स्लॉट को खाली भी छोड़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम चाहें उतना उसमें तार भी अपनी मर्ज़ी से बड़ा घटा सकते हैं। लेकिन ये जो है, इसमें एक फिक्स लोड दी गई है, इसमें हम तार ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते। अगर कम कर देंगे तो सीधी सी बात है कि मोटर हमारी जल सकती है, बट इसमें हम बढ़ा नहीं सकते। तो हम जब इस मोटर का तार बनवाने जाते हैं या हम खुद से इस मोटर को चेक करते हैं, तो हम स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, उससे हम इसको चेक करेंगे गेज को। तो जब हम गेज चेक करते हैं तो हम आधा नंबर या एक नंबर तक का गड़बड़ कर देते हैं। कई भाई जो होते हैं गेज को डायरेक्ट चेक करते हैं, कई भाई छील कर करते हैं, और कॉपर और एल्युमिनियम में अगर गेज जो है उसमें डिफरेंट रहती है। एल्युमिनियम का गेज आपको देखने में चेक करोगे सेम नंबर को कॉपर और एल्युमिनियम, तो आपको डिफरेंट मिलेगी। कॉपर की थोड़ी सी पतली देखने को मिलेगी और एल्युमिनियम की थोड़ी सी मोटी देखने को मिलेगी। तो आपको गेज अच्छे से चेक करना आना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, यही गड़बड़ कर देते हो, खुद से चेक करके आप उसी नंबर का तार बनवा लाते हो, और जब उसमें डालने की कोशिश करते हो तो आपका तार आता ही नहीं है, क्योंकि तार आपका मोटा हो जाता है, और मोटा होने की वजह से इसमें आता नहीं है। तो आपका वो तार क्या हो रहा है, आपको बड़ी परेशानी होगी, फिर ज़बरदस्ती आप कर नहीं सकते। अगर आपने उस मोटे गेज के चक्कर कम कर दिए तो मोटर हीट ज़्यादा होगी, एम्पियर ज़्यादा लेगी और जल जाएगी फिर। तो ये इस तरह की जो मोटर होती है उसमें आपको गेज का बहुत ध्यान रखना होता है। आधा नंबर भी आपने मोटा कर दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें फिक्स गेज डलता है, फिक्स टर्न डलते हैं, टर्न को हम बढ़ा नहीं सकते, गेज को हम पतला मोटा नहीं कर सकते ऐसी मोटरों में, तो गड़बड़ हो सकती है। पतला अगर हम गेज इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, डाल देंगे, बट उससे क्या होगा कि मोटर ताकत फिर कम देगी, ऐसा हो सकता है। तो इन मोटरों के अंदर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जिनकी स्लॉट एक तरह से कम गहरी होती है, जिनकी ज़्यादा गहरी स्लॉट होती है जिसमें जगह काफ़ी ज़्यादा है, उसमें हम मोटा गेज भी कर देते हैं एक नंबर तो भी चल जाता है, या टर्न भी हमने काफ़ी सारे बढ़ा दिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें गेज आराम से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इस तरह की मोटरों में हम यही गड़बड़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हम टर्न कम कर देते हैं कॉइल के, ठीक है, जब नहीं डलता तो टर्न कम कर देते, मोटर चल जाती है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आपको गेज चेक करना आना चाहिए। गेज चेक करने के लिए बेस्ट जो तरीका है, मैं उस पर एक परफेक्ट पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, कॉपर का गेज किस तरह से चेक करें, एल्युमिनियम का गेज किस तरह से चेक करें, कंप्लीटली उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई है, लेकिन एक वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी सी ऐसी बनाने वाला हूँ जिसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो कॉपर और एल्युमिनियम का गेज जब चेक करेंगे ना तो आप चकरा जाएंगे। एल्युमिनियम थोड़ा सा मोटा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि एक नंबर अलग नंबर है, ठीक है, अगर कॉपर से उसको मैच करेंगे तो ये भी होता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, बस यही बात बताना चाहता था कि इस तरह की मोटर में आप जो है टर्न को ना बढ़ाएं, गेज को चेंज ना करें, वरना फिर तार नहीं डलेगा, ये समस्या आएगी, और आप गड़बड़ करेंगे, तार को कम करेंगे तो मोटर फिर जलेगी। बहुत सारे भाई गलती करते हैं, इसलिए वीडियो बनाया था। और ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।